हेल्थ क्लिनिक। प्लांट हेल्थ क्लिनिक में हम लोग को प्लांट हेल्थ क्लिनिक विजिट कराया गया था। डायग्नोस्टिक एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट डिजीज एंड डायग्नोस्टिक कलेक्शन प्लांट इंसेक्ट एंड डायग्नोस्टिक कलेक्शन ऑफ प्लांट डिफिशियंसी। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट हेल्थ क्लिनिक विजिट है, इसमें हमें ओमकार डॉक्टर ओमकार सर हमको हम लोग को इस इक्विपमेंट के बारे में बताए थे, जिसमें से विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। जिसमें से रेफ्रिजरेटर था जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और इंक्यूबेटर था ये जहाँ पे हम लोग कल्चर रखते हैं। शांत रहो भाई। जैसे किसी डिजीज का डिजीज को पहचानने के लिए कि वो कौन सी डिजीज है, जो हम लोग कल्चर लेते हैं वो इंक्यूबेटर में रखते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, जिससे अदर डिजीज ना लग सके। सर इसमें डायग्नोसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट डिजीज, जिसमें से हम लोग लूज स्पॉट ऑफ फीट का कलेक्शन किए थे। ये लूज स्पॉट का पिक्चर्स है। इसकी पहचान हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे इसका जो इंफ्लोर का, और इसकी पहचान ऐसे करते हैं जैसे कि जैसे सर हम लोग को बताए थे कि उसमें मछली के गंध जैसी गंध आती है सर। हाँ सर, स्मेल आती है, इससे हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं। लीगल लीव ऑफ लीगल, ये सब जीन के डिफिशियंसी के कारण होता है। इसकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, और इसका मैनेजमेंट इसको और इसको अगर आपके अगर खेत में किसी भी किसान या कहीं भी होता है अब, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। करेक्शन कर लेना ठीक है कॉपी में। ये आपके द्वारा पत्ती तोड़ी गई है, ये आप लोगों के द्वारा? अच्छा गुड, बढ़िया है। आप अपना किया हो तो उससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, ठीक है। कौन सी डेफिशिएंसी है? इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, और जो पत्तियाँ जहाँ पीली पड़ती है वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाती है। इसमें जो उसका ओल्डर लीफ होता है वो सूख जाता है, सूख के वो गिर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लेग, सर हम लोग केवीके में एक प्लेग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से कुछ बच्चे साइंटिस्ट और कुछ बच्चे किसान की भूमिका में थे। क्या लर्निंग मिली आपको वो बताओ सर? उसमें ये सीखने के लिए मिली कि जैसे कामों की बात है कि कितने लोग पढ़ लिख के भी कहीं भी अपनी बातों को नहीं रख पाते। जैसे कि कोई किसान अगर मान लीजिए हम पढ़ के अगर कोई किसी अगर किसान हम बनते हैं तो कहीं जाते हैं तो हम डिजीज को लेकर जाके हम कुछ नहीं पाते हैं। उसमें ये सिखाया गया था कि कैसे हम अपने डिजीज को पूछें, और वो आगे वाले जो अगर हम ऐसे अगर हम साइंटिस्ट बने तो कैसे किसी को हम ये बता सकते कि जैसे कि ये कौन सी डिजीज है या कौन सा इंसेक्ट है। चलो बहुत।